नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। फाइनली नवंबर 24 सीए फाइनल एग्जाम्स आर थ्रू एंड पहला पेपर हो चुका है आप लोगों का एफआर। सो एज पर देखो, मैं एकदम अनबायस्ड व्यू दूंगा। अगर कोई एफआर के प्रोफेसर का आप लोग सुनोगे ये सेशन, तो वो बोलेगा देखिए ये मेरी बुक से आया है, ये मॉड्यूल में से आया है, ये वो बायस्ड व्यू देगा। वो बोलना चाहेगा कि भाई देखो कहीं ना कहीं तो मेरी बुक में से था और आप लोग ये आराम से मैनेज कर सकते थे। मैं एक अनबायस्ड व्यू देता हूँ बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स परसेप्शन जो मेरे पास आया है इन द लास्ट 30 मिनट्स आफ्टर द एग्जाम एंड द पेपर वॉज अबाउ एवरेज एंड द पेपर वॉज लेंदी। तो ठीक है, तो आपका पेपर अगर ओके ओके गया है तो आप अच्छा है भाई। ओवरऑल पेपर ही अबव एवरेज था क्योंकि मैंने सुना कि कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स थे, भले ही मॉड्यूल में से क्वेश्चंस भी थे एक दो, कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें जबरदस्ती का 2-3 हिडन एडजस्टमेंट ट्रिकी एडजस्टमेंट घुसा दिया है। एमसीक्यू वॉज मैनेजेबल, सो आई एम श्योर यू विल स्कोर गुड इन दैट। सो दैट्स हाउ इट इज। अब ज्यादा एफआर के ऊपर डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं है बिकॉज अब वो पेपर हो चुका है और अपना आपने लिख दिया है। अब आपको बताया कि भाई ये अगर आपका एफआर अबव एवरेज था, लेंदी भी था, ये देखो इधर मैंने लिखा है लेंदी भी था एज पर द स्टूडेंट्स, तो 3 घंटे में होना थोड़ा मुश्किल है, बट आई एम श्योर यू वुड हैव अटेम्प्टेड द मैक्सिमम। तो भाई ऐसा सिनारियो है तो अब अपना फोकस आ जाता है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एएफएम। यार एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एएफएम है कि बॉस एग्जेम्पशन दिलवा दे, और इंस्टीट्यूट वैसे भी आजकल एएफएम के पेपर तो ऐसे निकाल रही है ना कि मतलब कोई छोटी बच्ची भी अगर वो एग्जाम देगी तो भी वो पास हो जाएगा। सो इट्स वेरी इजी पेपर्स। लेट्स सी अब एएफएम में इंस्टीट्यूट क्या करता है। अगर इंस्टीट्यूट का पैटर्न जो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से चल रहा है कि एज इट इज मॉड्यूल में से क्वेश्चन उठाओ और डाल दो, और वैसा ही पेपर अगर आ गया देन इन दैट केस ये सब्जेक्ट आप लोगों की नैया पार करवा देगा। सो लेट्स होप दैट। अब उसके लिए 1.5 डेज अपना बहुत अच्छी तरह से जाना चाहिए। ज्यादा एफआर के बारे में मत सोचना बिकॉज अदरवाइज यू आर गोइंग टू अफेक्ट योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग विद गुड मार्क्स इन एएफएम एंड इन द ग्रुप ओवरऑल एज सच। सो अब आपके लिए ये 1.5 डेज स्ट्रेटेजी के लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया है। ये पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा गाइज। ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स पे दिया है, सो यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर। 1.5 डेज ये रहा टोटल 26 आवर्स में आपको ये सब्जेक्ट को ये पूरी तरह से कैसे कंप्लीट करना है, दिस इज हाउ इट वर्क। एक तो आप अगर आप मैराथन देख रहे हो देन इन दैट केस यू हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ द मैराथन जो मैं आप लोगों का लेने वाला हूँ एट अराउंड 7:15 7:30। इफ यू आर नॉट वॉचिंग दैट देन इन दैट केस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हर एक चैप्टर का मैंने आवर्स दे दिया है एंड कितने मार्क्स का आने का एक्सपेक्टेशन है वो भी मैंने लिख लिया है, सो यू कैन प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंगली। जो मेरे फर्स्ट 6 यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मर्जर्स, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग एंड डेरिवेटिव्स, अगर पेपर हलवा इजी आया देन इन दैट केस ये 6 स्टार्टिंग के जो दिख रहा है ना आप लोगों को, इसमें से फॉर श्योर 60 मार्क्स आएगा और आप लोगों का काम हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब लेट्स सी व्हाट रोल डज आईसीआई प्ले टुमारो। वो तो कल ही अपने को पता, डे आफ्टर टुमारो ही पता चलेगा, बट लेट अस बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट। ठीक है, सो ये तुम लोगों को पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। उसके अलावा इसको फेज वाइज ऐसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। मुझे जो लग रहा है इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है तुम लोगों को। जैसा मैंने बोला कि ये पीडीएफ एक बार गो थ्रू कर लेना एग्जाम के पहले, 1-2 घंटे पहले ये सब देख लेना एक बार ओवरव्यू के लिए। सो इसमें से आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। ऑलराइट गाइस, चलो अब नेक्स्ट चीज है मैराथन लेक्चर एंड नोट्स। तो मैराथन लेक्चर अराउंड 7:15 7:30 के आसपास मैं स्टार्ट करूंगा। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अभी का अभी अपलोड कर रहा हूँ, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। थियोरी मत करना, मेरा एक मस्त वाला थियोरी का लेक्चर मैं तुम लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा कल, एंड दैट विल बी सफिशियंट। कल नाइट तक वैसे भी तुम लोगों का पूरा प्रैक्टिकल चलेगा, तब तक थियोरी को हाथ नहीं लगाना है। कल नाइट से लेकर फिर बाद में अगले दिन का आप लोगों के पास आफ्टरनून तक का टाइम है, दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर थियोरी। तो अभी थियोरी को बीच में मत घुसाना, दैट विल प्योरली बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। उससे अच्छा कल नाइट के लिए अपन लोगों को रख रहे हैं। गो थ्रू ऑल फॉर्मुलाज जो मैं अब तुम लोगों को पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, उसमें सारे फॉर्मुलाज एक जगह पे है। और अभी ज्यादा सॉल्विंग के ऊपर बिलीव मत करो, अभी ज्यादा सॉल्विंग का टाइम नहीं अपने पास। एक ओवरव्यू लेना है फटाफट, मैराथन में मैं यही कर पाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन का एक बार ऊपर ऊपर से सब मैं आप लोगों को करवा दूंगा, फॉर्मुलाज याद करवा दूंगा एंड एट द सेम टाइम सम्स फटाफट कनेक्ट करवा दूंगा। तो जो आप लोग करने वाले हो घर पे बैठ के वही मैं यहाँ पे मैराथन में करवाने वाला हूँ। सो माइट एज वेल यू मे इवन प्लान टू ज्वाइन। और प्लीज ज्यादा एफआर के बारे में मत सोचो, जो हो गया अब उसका कुछ नहीं होने वाला है। एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एएफएम में से कि पेपर इजी आए, अपने को उसमें से एग्जेम्पशन आए, एंड देन दैट विल बी गुड। राइट, चल ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल वेरी सून, टेक केयर। बाकी और कुछ हो तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, स्टे सब्सक्राइब। हास्ता ला विस्ता।